नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 नवंबर शुक्रवार दोपहर 1 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। प्रदेश में 5438 पदों के लिए होने वाली बहुप्रतीक्षित कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गई है। परीक्षा का आयोजन 8 नवंबर तक किया जाएगा। परीक्षा में कुल 17,61,760 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए जालौर को छोड़कर 32 जिलों में 518 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें गुर्जर आंदोलन प्रभावित करौली, भरतपुर, दौसा और सवाईमाधोपुर में भी सेंटर रखे गए हैं। हालांकि यहां अभी भी ट्रेनें व बसें बंद हैं। ऐसे में परीक्षा सेंटर तक पहुंचने के लिए अभ्यर्थियों ने निजी वाहनों का सहारा लिया। DGP MR लाठर ने बताया कि परीक्षा आज शुक्रवार से 3 दिन तक प्रतिदिन 2 पारियों में प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक तथा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए हैं। जयपुर के सोडाला थाना क्षेत्र में आज शुक्रवार सुबह एलिवेटेड रोड पर तेज रफ्तार से ऑडी कार दौड़ा रही 2 लड़कियों ने एक युवक को टक्कर मारी। इससे युवक पुलिया से करीब 30 फीट हवा में उछलकर समीप बने एक मकान की छत पर जा गिरा और उसकी मौत हो गई। दूसरी तरफ बेकाबू कार पुलिया पर ही लगे एक खंभे से जा टकराई, जबकि कार का एयरबैग खुलने से कार में सवार दोनों लड़कियां बच गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि युवक पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने आया था। पुलिस ने शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। राजस्थान में शिक्षा विभाग के फीस कटौती के आदेश के विरोध में फोरम ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान के आह्वान पर प्रदेश के 50,000 निजी स्कूल अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसी के साथ इन स्कूलों में अब ऑनलाइन क्लासें भी बंद कर दी गई। निजी स्कूल संचालक संयुक्त रूप से 28 अक्टूबर को निकाले गए 40% तक फीस कटौती के आदेश का विरोध कर रहे हैं। संचालकों ने कहा है कि फीस नहीं आने से इन स्कूलों में कार्यरत 11 लाख से अधिक शिक्षक कर्मचारियों के रोजगार पर भी संकट खड़ा हो गया है। जोधपुर जिले के डांगियावास थाना में स्कूल में डांस कर रही छात्रा का फोटो खींचने का आरोप लगाते हुए पीड़िता के पिता ने नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि पिता ने रिपोर्ट देते हुए आरोपी पर दोस्ती व शादी के लिए दबाव डालकर धमकियां देने, वीडियो वायरल करने की धमकियां देने का भी आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पाली जिले के सोजत के बगड़ी थाना पुलिस ने नगबजनी का खुलासा करते हुए आरोपी दीपक मेवाड़ा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने दादी के घर से सोने चांदी के आभूषण चोरी किए थे। आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में वारदात करना कबूल कर लिया। पुलिस आरोपी से सामान बरामदगी के प्रयास में जुट गई है। टोंक जिले के देवली थाना क्षेत्र के बीसलपुर में लूट के इरादे से अधेड़ महिला की हत्या होने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि घर से लगभग 50 मीटर की दूरी पर महिला का शव मिला है। प्रथम दृष्टया गला दबाकर हत्या की बात सामने आ रही है। पड़ोस में जाग होने के कारण अज्ञात हत्यारा लूट में नाकाम रहा। मृतका की पहचान लाडा देवी माली निवासी वर्कचार्ज कॉलोनी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्ची में रखवाया है और मामले की जांच में जुट गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्रधानाध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2020 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। विषयवार 14 से 18 दिसंबर तक अजमेर और जयपुर मुख्यालय पर परीक्षा करवाई जाएगी। संयुक्त सचिव नीतू यादव ने बताया कि प्राध्यापक विद्यालय संस्कृत शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2020 का आयोजन अजमेर और जयपुर मुख्यालय पर होगा। परीक्षा 2 पारियों में होगी। इसके प्रवेश पत्र वेबसाइट पर जल्द अपलोड किए जाएंगे। मालूम हो कि आयोग ने 8 जून से 7 जुलाई तक आवेदन मांगे थे। भरतपुर जिले के डींग थाना क्षेत्र के बरावली गांव के पास युवक की गला रेत कर हत्या करने की जानकारी सामने आई है। जानकारी के अनुसार शौच करने गए युवक की 2 बाइक सवारों ने हत्या कर दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि अज्ञात युवक धीरी सिंह की हत्या कर फरार हो गए, जबकि मृतक का साथी मौके से जान बचाकर भागा। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। प्रदेश में निलंबित चल रहे पुलिस इंस्पेक्टरों की जल्द बहाली हो सकती है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में विभिन्न प्रकरणों में काफी पुलिस इंस्पेक्टर निलंबित चल रहे हैं। उनकी बहाली के लिए अब पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को फाइल भेजी है। इस पर जल्द ही कोई निर्णय हो सकता है।
भरतपुर जिले के सेवर जेल के बंदी बदमाश पंकज भारद्वाज ने मथुरा के एक बड़े ज्वेलर को धमकी देकर 10 लाख रुपए की डिमांड करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित की रिपोर्ट के बाद जेल में सर्च अभियान चलाया गया है। सीओ सिटी सतीश वर्मा, सीओ ग्रामीण हरिराम मीना, एसएचओ सेवर और अटल बंद ने जेल की तलाशी ली। पुलिस ने बताया कि बंदी पंकज भारद्वाज के कब्जे से 3 मोबाइल व सिम बरामद की गई है। सेवर थाने में जेल प्रशासन द्वारा बंदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। बता दें कि बंदी पंकज उद्योग नगर थाना इलाके में डकैती के मामले में सजा काट रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक हैरतअंगेज मामला सामने आया है, जहां एक दंपति को पड़ोसियों पर तेजाब फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि कल्याण शहर के आनंद नगर क्षेत्र से एक दंपति को पड़ोसियों पर तेजाब से हमला करने के मामले में गिरफ्तार किया है। हादसे में कम से कम आधा दर्जन लोग इस घटना में आंशिक रूप से तेजाब से जले हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों में से एक रेणु मंडल का झगड़ा कुछ दिन पहले अपने पड़ोसियों से हुआ था, जिसके बाद एक महिला रेणु मंडल के घर गई और कथित तौर पर उसे गाली गलौज करने लगी थी। इसके बाद मंडल ने महिला पर कथित तौर पर तेजाब फेंक दिया, जिसके बाद एक उसे बचाने के लिए एक महिला और कुछ अन्य लोग आए और सभी इस तेजाब हमले में आंशिक रूप से जख्मी हो गए। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।